नमस्कार, मैं चांदनी और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़। अपना अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर। अररिया जिला के लक्ष्मीपुर पंचायत में पहुंच चुके कुर्साकाटा प्रखंड में यहाँ हमारे बीच उप मुखिया जी हैं। आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं साथ नीचे में कार्य लोग किए वे उसके बारे में जानते हैं। मुखिया जी से मिल रहे हैं और रूबरू करवा रहे हैं आप सभी को। क्या नाम हुआ सर आपका? विपिन कुमार यादव। सर आपने सात निश्चय में कौन कौन सा कार्य लोग करवाए अपने वर्तमान में? सात निश्चय में रोड बनाए हैं, नाली बनाए हैं, फेवर ब्लॉक करवाए हैं जी, बहुत सारा काम किए हैं। और प्रधानमंत्री आवास आपने अपने वार्ड में कितने व्यक्ति को दिलवाए? प्रधानमंत्री आवास लगभग 20 लोगों को मेरे वार्ड में मिला है जी। अभी तक स्वीकृत हुआ है, उसमें से लगभग 15 लोगों को रुपया भी मिल गया और वो मकान भी बना लिए हैं। अच्छा मकान बनाए हैं, अगर आप चलिएगा तो हम वार्ड नंबर 9 में आपको दिखा भी देंगे। मेरा वार्ड छोटा वार्ड है, वार्ड नंबर 9, लेकिन लोगों में जागरूकता काफ़ी है। अगर लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है मुखिया जी के द्वारा और ब्लॉक के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो लोग स्वेच्छा से मकान बनाते हैं, जिद भी नहीं करना पड़ता है। लोग जान रहे हैं कि अगर आवास का पैसा लिए हैं तो हमको मकान बनाना पड़ेगा। हम लोग भी चढ़े रहते हैं कि आप मकान बनाइए, नहीं तो आप पर नोटिस होगा, पैसा रिकवरी करना होगा, FIR होगा। तो लोग घर बनाते हैं ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी नया इसमें कितने व्यक्ति का नाम जुड़े हैं नया मंत्र में प्रधानमंत्री आवास में? लगभग 40-45 लोगों का मेरे वार्ड से नाम जोड़ा गया है, 45-50 लोगों का लगभग नाम जोड़ा गया है वार्ड नंबर 9 से। नए लोगों को जो परिवार वाले लोग हैं उनका नाम जोड़ा गया है, जिनको पहले कभी कोई सरकारी लाभ नहीं मिला अभी तक, उनका नाम जोड़ा गया है वार्ड नंबर 9 से। जी विपिन जी, एक बात और ये कहना चाह रहे हैं आपसे, जो जनता, कुछ जनता ने ये बता रहा है कि विपिन जी ने, उप मुखिया ने अच्छा कार्य करवा रहा है मुखिया के द्वारा से, इस पर क्या कहना जो जनता चाह रही है? मुखिया जी से, मुखिया जी और हम उप मुखिया हैं उनका, तो बहुत अच्छा वर्क हुआ है। आज तक इतिहास में हमको लग रहा है कि पहली बार इतना वर्क हुआ है, इतना काम हुआ है ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में। जिन गाँव में आप हल्दारा चले जाइए, मेरा बहनोई का घर है वहाँ, मेरा बहन का घर है, पहले बहुत ज़्यादा कीचड़ था वहाँ, लगभग घुटना भर कीचड़ रहता था सावन भादो में, हमको खुद वहाँ जाने में परेशानी हो जाता था। लेकिन वो गांव आज चले जाइए, आप किसी होके भी गुजरिएगा, आप दो चक्का या चार चक्का भी चले जाएगा, पहले मोटरसाइकिल पैदल भी जाना दूभर था जिस इलाके में, जहाँ जहाँ पंचायत में हमारा, वहाँ मुखिया जी से मिल करके हमने विकास कराया, बहुत अच्छा विकास हुआ है। और जहाँ अंधेरा था, जहाँ लोगों को जाने आने में हटिया बाज़ार, गांव देहात में हटिया का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, लोगों को शाम में वापस आने में परेशानी होती थी, तो मुखिया जी के द्वारा लाइट की व्यवस्था की गई रास्ते में चौक चौराहों पर, ताकि लोग 9-10 बजे रात तक जाए आए तो कहीं दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम लोगों का एरिया बाढ़ पीड़ित एरिया रहा है, यहाँ सांप बिच्छू का बहुत डर रहता है। उसको देखते हुए मुखिया जी ने यहाँ लाइट लगवाया, बढ़िया विकास किया है, लाइट भी लगवाया, तो लोगों को रात में भी जाने आने में, आप 12 बजे रात में चले जाइए तो आपको टॉर्च की ज़रूरत लक्ष्मीपुर पंचायत में नहीं पड़ेगी। हाँ, ये सत्य है कि 100% नहीं हुआ है, कुछ कमी रह गई है, उन पर हमारी बात भी हुई है 2 दिन पहले मुखिया जी से, उन्होंने आश्वासन दिया है और वो करेंगे भी, वो काम करने वाला व्यक्ति हैं, काम करेंगे। और जहाँ जहाँ लाइट की कमी है वहाँ फिर लाइट लगाया जाएगा। लोगों की मांग भी है बहुत ज़्यादा, हम लोगों को लोग कहते हैं कि फलना जगह लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है, रात में जाने आने में दिक्कत होती है, कहीं किसी को सांप काट लेगा। तो हमने भी आश्वासन दिया है लोगों को कि आप चिंता मत कीजिए, वहाँ भी लाइट लगेगी और अंधेरा को दूर किया जाएगा। लक्ष्मीपुर पंचायत, हमको लगता है कि जब तक हम लोगों का चुनाव आएगा उससे पहले एक जगमगाता हुआ पंचायत हो जाएगा, विकास की कहीं दूर दूर तक कोई कमी महसूस नहीं होगी लोगों को, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं उप मुखिया के नाते। जल नल का कार्य लोग कहाँ तक पहुँचा आपके पंचायत? जल नल का कार्य प्रगति पर है। कुछ हम लोगों का पहले भी बताया कि बाढ़ पीड़ित का एरिया है, बाढ़ के कारण यहाँ काम बंद रहा 3 महीने से, अभी तक बंद है काम, फिर कार्य प्रगति पर होगा। अभी पानी बाढ़ का अब जाके गिरा है, दशहरा बीतने के बाद पानी गिरना हम लोगों के एरिया से चालू हुआ है कुछ जगहों में, इसीलिए काम बंद था और कुछ जगह में कार्य प्रगति पर था। हम लोग अपनी निगरानी में ठेकेदार के द्वारा बढ़िया से काम करवा रहे हैं नल जल का, उसका लाभ जनता को मिलेगा जब स्वच्छ पानी लोगों के बीच पहुँचेगा,
सरकार का जो योजना है वो जब स्वच्छ पानी जब लोगों के बीच पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो बीमारी यहाँ घट जाएगी 50%। देहात के लोग अधिकांश बीमार होते हैं पानी के कारण। पानी में हम लोगों का आयरन बहुत ज़्यादा होता है, दूषित पानी होता है, कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो शरीर तो ख़राब होना तय है, लाजमी है, लेकिन उनको बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा और स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा जी। बाथरूम कितना व्यक्ति को आपने दिलवाया अपने पंचायत में, लेटरिन बाथरूम? बहुत लोगों को मिला है, लगभग आपको 1100 लोगों को अभी तक शौचालय का लाभ मिल चुका है। सर्वे भी होना है अभी कुछ लोगों का, बहुत लोग छूट भी गए हैं, अभी सबको उनका लाभ नहीं मिला है, लेकिन धीरे धीरे सबको उनका लाभ मिलेगा जहाँ शौचालय नहीं है। अब तो सरकार की तरफ से सार्वजनिक शौचालय बनाने का भी काम चल रहा है दलित महादलित टोले में, वहाँ वर्क स्टार्ट है, वह जब बन के तैयार हो जाएगा तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और लगभग हमको लगता है कि महीना दो महीना में यह काम हो जाने के बाद लोगों को जब इसका लाभ मिलेगा तो एकदम निश्चित तौर पर हमारा पंचायत स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। और जी अपने पंचायत वासी और जिला वासी और पुलिस प्रशासन को छठ के अवसर पर क्या शुभकामना देना? मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 9 और ग्राम पंचायत राज लक्ष्मीपुर के लोगों को छठ पूजा, जो लोग आस्था का महापर्व माना जाता है हम लोगों के बिहार में खास करके, सबसे ज़्यादा आस्था लोगों को छठ पर्व पर है, तो उनकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। छठ मैया आप लोगों के जीवन को सुखमय और शांतिमय बना के रखे, यही कामना करते हैं। और सभी मीडिया कर्मी को और सभी पुलिस प्रशासन को, जो भी पदाधिकारी गण हैं सभी को मेरे तरफ से, समस्त प्रखंडवासी और जिलावासी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। आप तमाम लोगों को, बुद्धिजीवियों को छठ मैया आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही कामना करते। अपना अररिया न्यूज़ को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।